नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। कभी संसद में मनमोहन सिंह ने खड़े होकर एक बात कही थी कि नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। ये बात उन्होंने उदारीकरण के संदर्भ में कही थी जब वो देश में उदारीकरण की पॉलिसीज को लाने की बात कर रहे थे। कुछ यही कारण है कि इन्हीं नीतियों की वजह से आज जो है किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और ये जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी बात समझने वाली ये भी है कि आज ही के दिन किसान सिंघू बॉर्डर पर और अन्य बॉर्डरों पर अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि अपने जन्म के 130 साल बाद भी ये व्यक्ति समाज के लिए, आंदोलनों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संदर्भ में हमने कुछ किसानों से बात की है, सुनिए। कई सालों में मैंने देखा है साउथ इंडियन जो हैं उनके कई मंदिर हैं वहाँ पे लेडीज को 55 प्लस के बाद जाने की अनुमति है, उससे पहले नहीं। इन्हीं मुद्दों के ऊपर डॉक्टर साहब ने भी लड़ाई की थी कि औरतों को मंदिर जाने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि वो समाज में औरत और मर्द की बराबरता चाहते थे। उन्होंने अपनी वाइफ को भी एजुकेट किया था। इस बिल के खिलाफ उन्होंने शायद वो जो पार्लियामेंट में थे तो वो उन्होंने जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका पंडितों ने और जो सारे हिंदुइज्म की सोच वाले लोग थे, मतलब एक स्पेसिफिक सोच वाले, उन्होंने काफी विरोध किया था, तो इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट में जाना बंद कर दिया था। तो मैं उनको सलाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मैं नहीं मानती जैसे ये लोग कहते हैं कि वो एक एक जो जात को लेकर उन्होंने जो सब किया, नहीं, वो फीमेल्स के लिए, वो जो इंडिया का जो गरीब वर्ग है, जो आर्थिक तौर पर गरीब है, उन सबके लिए उन्होंने लड़ी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उनको दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि बीइंग ए फीमेल मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ और वो इस रिस्पेक्ट के काबिल भी हैं, क्योंकि उन्होंने औरतों के लिए भी लड़ाई लड़ी है, उनको आज़ादी देने की कोशिश की है। मैं सब तो पहला अज के दिन से जरा जो किसान मोर्चा आदि आगू साहबान उन्होंने जथेबंदियों मैं बधाई देना चाहना कि जिन्होंने कल विसाखी का दिहाड़ा मनाया, इतने खालस का साजना दिवस मनाया, इतने अज डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं। मैं उन्होंने बड़ा धन्यवाद करना। मैं समझदा कि जिन्ना चिर डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार से भगत सिंह के विचार से कार्ल मार्क्स उन्होंने विचार जिन्ना चर इन्हों का समेल नहीं होंदा उन्ना चर लड़ाई जितनी कोई भी बड़ी औखी आ। जो असं इन्हों के विचार का समेल करते हाँ, समेल करके तुरते हाँ, तो लड़ाई का मुढ़ बजदा तो लड़ाइया जितिया जाएगियां और जीती जानियाँ। और यह भी लड़ाई जी काले कानून वाली आ, भी मैं समझदा भी जोड़े काले कानून बनाए हैं मोदी ने, यह किसान विरोधी कानून नहीं गए, ये दलतों भुलेखा हो सकता इस गल का। वो असी दलित जथेबंदी के तौर पर, मजदूर जथेबंदी के तौर पर असी लोगों के जा रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं, लोग उन्होंने अवेयर कर रहे हैं भी किसानों के नालों सब तो व्डा नुकसान थोड़ा हो रहा। हरियाणा सरकार खुद डालो राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी उसी नीति पर चल रही है। अब हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने देखा कि किसान और मजदूर का मेरा वर्ग एकजुट हो गया है और इसमें किस प्रकार फूट डालनी चाहिए, तो उन्होंने इस पर फूट डालने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन को चुना और इसमें देखा कि मेरा वर्ग है जो किसान और मजदूर है, जो इस देश का मेहनत करके पेट भरते हैं, उनमें कैसे फूट डाली जाए, तो उन्होंने इस दिन को चुना, 14 अप्रैल का दिन चुना और इसके लिए ठीक इस धरने के पास ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे मजदूर वर्ग किसान से छिटक जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। मजदूर वर्ग को अपने कंधे से कंधा मिलाकर उसको एक एक बार समझाने का प्रयास किया और वो आज मान गया कि एक जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये बिल्कुल कमेरे वर्ग को छीन भिन करना चाहती है और इस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो बर्बाद करके रखती है इसने, वो उसको और बर्बाद करना चाहती है और इस देश का भला नहीं चाहती। फूट डालो राज करो की नीति पर ये बीजेपी सरकार चल रही है।